सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो दृश्य है पहले लिखा गया है आए, उसके बाद जो है हर दिल बनाया गया है। कितना ये सुंदर जो है यहाँ के लुक है, और बाद में जो है लिखा है हमारा मऊ। अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। भी है। क्या एक सोच है, क्या बनना है? मेरे को तो बहुत ज्यादा अच्छा है डॉक्टर बनने का। डॉक्टर भी है, क्या गलत है? इस सेल्फी से है कि बहुत से लोग एक्सीडेंट में भी हो जाते रह रहे हैं। और यहाँ पर तो नहीं है, पर जैसे बहुत से लोग वहाँ सड़कों पे या कहीं पे भी खड़े होकर सेल्फी लेते हैं, तो सेफ्टी से ले रहे हैं। ये चीज़ सही है, ये जो बनाया गया है ये एक घेरे में है जो सेफ है। सेफ्टी, सेल्फी लेकर क्या करेंगे? बस इंस्टाग्राम फेसबुक यही पोस्ट करना है, बस और कुछ नहीं। नमस्कार, इस वक्त जनपद मऊ में है, और जनपद मऊ में खास एक जो है आकर्षक वो तस्वीरें बनाया गया है, जो सभी जो है यहाँ पे नवयुवक जो है युवा के जो साथी है, कहा जाए कि जो है कई तरह के जो है यहाँ पे उस तरह के जो है पार्किंग का जो व्यवस्था है, यहाँ इस लुक को देखने के लिए जो है एक देखा जाए तो युवा पीढ़ी में यहाँ देखने के लिए कई तरह से जो है लोग आते हैं। सेल्फी पॉइंट बन गया है यहाँ, कई तरह से जो है स्टूडेंट्स अपना एक सेल्फी पॉइंट बना लिए हैं, जो यहाँ एक घूमने का अलग ही मज़ा है, और सब लोग यहाँ एक सेल्फी के तौर पे आते हैं। चलिए अंदर तक दिखाएंगे आखिर का जो है वो खास दृश्य क्या है, जो जनपद मऊ में भी वो सेल्फी पॉइंट बनाया गया है, सामने देख पा रहे होंगे। सबसे पहले आपको मैं बता दूँ कि ये शिलान्यास जो है श्री योगी आदित्यनाथ द्वारा हुआ है, माननीय श्री मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार की प्रेरणा से। श्री ए के शर्मा माननीय मंत्री नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार के कर कमलों द्वारा दिनांक 27/11/2022 को संपन्न हुआ, जो 19.95 लाख के लागत से जो है बनाया गया है। अब ये जो है सेल्फी पॉइंट बनाया गया है, और ख़ासतौर से आप देख पा रहे होंगे कि सामने जो दिख रहा है आई लव हमारा मऊ, यहाँ जो है सेल्फी खिंचवाने के लिए, सेल्फी लेने के लिए लड़के और लड़कियों की जो है कहीं ना कहीं उपस्थिति बरकरार रहती है। दिन भर जो है यहाँ पे युवा पीढ़ी के जो है लड़के लड़कियों का जो है आवागमन होता रहता है। खास से हम लोग मऊ में उपस्थित है, और आपको दृश्य दिखाना चाहेंगे कि आखिरकार यहाँ किस तरह से। चलिए अंदर को चलते हैं, और ख़ास से जो है यहाँ एक देखा जाए तो एक पार्क का जिस तरह से जो है लुक है, पार्क टाइप का जो बनाया गया है, ख़ास से एक ये मऊ के जो है एक सेल्फी पॉइंट बना है। और यहाँ जो है सेल्फी के लिए जो है कई तरह से जो है एक इच्छुक जो है गर्ल्स बॉयज जो है आते हैं। सबसे पहले मैं आपको वो दृश्य दिखाना चाहूँगा यहाँ से, कि वो सामने जो दिख रहा है, थोड़ा सा आगे तक आइए। ये एक ख़ास तरह से जो है ये मऊ जनपद में है, और मऊ जनपद का वो दृश्य है जो हर एक जिलों में जो है इस तरह से सेल्फी पॉइंट बनाया गया है। तो सबसे पहले ये एक बड़ी बात है कि कहीं ना कहीं आधुनिक ज़माने में जो है एक सेल्फी पॉइंट जो बना है यहाँ, एक आकर्षक जो जगह है, खास से यहाँ जो है उस चीज़ को देखने के लिए आते हैं। सबसे पहले वो दृश्य है, थोड़ा सा यहाँ फुव्वारा का भी व्यवस्था है, लेकिन मैं आपको बता दूँ कि वो फुव्वारा का जो है अभी शायद ये कुछ वजह से अभी चालू नहीं है, अभी ये बंद हालत में है। लेकिन आगे तक मैं दिखाऊँगा कि वो जो दृश्य है जिस के जो है पास आकर एक सेल्फी लेने का जो है हर एक किसी के मन में जो है ये जिज्ञासा होता है, लालसा होता है। कुछ लोग हालांकि जो है यहाँ पे मौजूद हैं सेल्फी लेने के लिए, सेल्फी ले भी रहे हैं, लेकिन मैं आपको दिखा दूं कि ये जो नज़ारा है, ख़ास ये मऊ के जो है ख़ास उन नज़ारों में से एक बहुत ख़ास नज़ारा है जो सामने दिख रहा है। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, ये जो दृश्य है पहले लिखा गया है आए, उसके बाद जो है हर दिल बनाया गया है। कितना ये सुंदर जो है यहाँ के लुक है, और बाद में जो है लिखा है हमारा मऊ। इस तरह से जो है ये एक पॉइंट जो है एक कहीं ना कहीं एक अच्छे तरीके से जो है इसे सुसज्जित किया गया है, जहाँ पे कई तरह के जो है यहाँ एक देखा जाए तो नवयुवक पार्टी से भी कुछ लोग जो है सेल्फी लेने के लिए। क्या नाम पड़ेगा? सोनू यादव। कैसा लग रहा है यहाँ आने पर? बहुत अच्छा, सेल्फी लेने में कुछ और ही मज़ा है जी। क्या लगता है कि ये मऊ में ये जो नया ये आधुनिक समय में जो बना है एक ऐसा पॉइंट है जो हर एक जो है लोगों के मन में लालसा है कि हम भी जाकर एक सेल्फी ले लें? जी जी, है ना, बहुत अच्छा। आप? हम गाजीपुर से। गाजीपुर से आए? गाजीपुर में ऐसा बना है कि नहीं बना? बना है, बना है। इसे थोड़ा अच्छा, हाँ, इसे जब थोड़ा लो क्वालिटी का है। लो क्वालिटी का है? मऊ में हाई क्वालिटी का दिख रहा है एकदम। अच्छा,
और जो तस्वीरें है इस तरह से सभी लोग जो है यहाँ पे एक अपना सेल्फी के लिए, देखिए आगे कई तरह के है, एक ग्रुपिंग है। कहाँ से आए हैं? आए हैं चौबेपुर से। चौबेपुर कुर्ती जाबरपुर। अच्छा, यहाँ सेल्फी लेने में कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, सेल्फी लेने के लिए आप आ गए? हाँ हाँ, सेल्फी लेने के लिए आए हैं। क्या नाम है? राज। सेल्फी लेने में मजा आ रहा है एकदम भरपूर? कहाँ से है? मोहम्मदाबाद से। मोहम्मदाबाद से? उधर कोई सेल्फी पॉइंट ऐसा नहीं बना है? नहीं। जनपद गाजीपुर से है ना? नहीं, मोहम्मदाबाद इधर। अच्छा, मऊ गोहना मोहम्मदाबाद। तो ये मऊ में ये खास जो दृश्य बनाया गया है, ये मऊ में जो है जो नया चीज दिख रहा है, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, ऐसा दृश्य होना चाहिए। होना चाहिए है ना। और जहाँ जो है इस नज़ारे में कहीं ना कहीं जो दिल की उपस्थिति हो, और हर लोगों के पास दिल होता है और दिल से दिल मिलता है, तो कहीं ना कहीं वो एक अलग ही अंदाज होता है, और उसका मजा लेने के लिए यहाँ सेल्फी ले रहे हैं। हाँ हाँ। सेल्फी लेकर क्या करेंगे? बस इंस्टाग्राम फेसबुक यही पोस्ट करना है बस। अच्छा। और कुछ नहीं। एक मन में ये जुनून है कि हम भी एक सेल्फी खिंचवा लें और जो है इंस्टाग्राम फेसबुक पर डालें कि शायद एक सेल्फी पॉइंट पे थे। और इस तरह से जो है तस्वीरें हैं जो एक मऊ का खास अपने आप में ये दृश्य है। और जहाँ पे मैं बता दूँ कि जो भी यहाँ पे दूर दराज से भी लोग आते हैं, जैसा कि इन्होंने, ये लोग कहाँ से हैं? अच्छा, कहाँ से हैं आप लोग? कहाँ से? मझवारा से। मझवारा से आए हैं? हाँ। कैसा लग रहा है यहाँ पे? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। हाँ? क्या लगा कि हमें इस सेल्फी पॉइंट पे एक जो है तस्वीरें खींचना चाहिए? आप लोग के इस वक्त में जो है इस तरह से सेल्फी पॉइंट बनना अच्छा लग रहा है? हाँ, बहुत अच्छा, अच्छा लग रहा है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम लवी से। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। कहाँ से है? मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर से यहाँ पे चल गया है मऊ में, क्या खास ये दृश्य दिखा? अच्छा है यहाँ पर मऊ। अच्छा। काफी अच्छा है। क्या लगता है कि मऊ में जो एक रौनक, जो ये चर्चित जगह है, जो काफी जो है दिन भर ये ताता लगा रहता है, कोई ना कोई दूर दराज से आते हैं, सेल्फी एक खींचते हैं और कहीं ना कहीं कुछ समय यहाँ व्यतीत करते हैं? अच्छा है ना, ये कि जो ये क्या नाम इन्वेंशन की है योगी जी। अच्छा। ये बहुत अच्छा किया है। अच्छा किया है। हाँ। क्या ये लग रहा है कि जिस तरह से एक युवा पीढ़ी के कहा जाए तो ऐसा लुक बनाया हर जिलों में जा रहा है, और जिस जिले में ऐसा लुक दिख रहा है कहीं ना कहीं एक वहाँ पे पहुँच कर मन को एक सुकून मिलता है? अच्छा है। हाँ। 10 मिनट जो भी एक समय वहाँ व्यतीत करते हैं तो ये लगता है कि कहीं ना कहीं अपने आप को सुकून महसूस करते हैं। हाँ, प्रगति पढ़ाई करते हैं। हाँ जी। किस क्लास में? मैं 11th के पेपर दिए हैं। अच्छा, 11th का। कौन से बोर्ड से है? यूपी। यूपी बोर्ड से। क्या बनने का इच्छुक है, क्या मन में लालसा है, क्या बनना है? मन में लालसा तो मेरे बिजनेसमैन की है। बिजनेसमैन? अरे बिजनेसमैन बनना है। बिजनेसमैन क्या एक उसमें दिखता है, तरक्की में क्या दिखता है बिजनेसमैन बनने? तरक्की में अच्छा है। अच्छा, बाकी कोई इस तरह से सरकारी जॉब ये नहीं दिखता? हाँ, विधायक बनना है। विधायक बनना है। विधायक बनकर क्या करेंगे? देश का कल्याण करेंगे। क्या लगता है ये जो नेता लोग है, ये लोग विधायक लोग देश का कल्याण नहीं कर रहे हैं? कर तो रहे हैं। अच्छा। सब अपने हिसाब से कर रहे हैं, जिस जो जो उसके अंदर है। अच्छा। पर सब लोग अपना कमीशन भी लेते हैं, कोई अच्छा काम नहीं करते ढंग से। अच्छा, कमीशन लेते हैं, अच्छा काम नहीं करते। क्या लगता है कि ये जो पढ़ाई का सिलसिला जो चल रहा है योगी सरकार में, बहुत अच्छा चल, विद्यार्थियों के लिए अच्छा, बहुत अच्छा है, हर तरह की सुविधाएं मिल रही है जी, तो मन लगा कर और पढ़ना चाहिए जी। अच्छा, आप किस क्लास में? थोड़ा सा आ जाइए, किस क्लास में? मैं भी 11th में हूं। 11th में आप भी हैं? क्या एक सोच है, क्या बनना है? मेरे को तो बहुत ज्यादा अच्छा है डॉक्टर बनने का। डॉक्टर? कोई बिजनेसमैन बन रहा है, कोई डॉक्टर, तो डॉक्टर बन के कहीं ना कहीं जनता के जो है एक सेवा में लगना। हाँ, हाँ। अच्छा, वो सामने आपकी क्या ले है? वो लड़की मैं तो, हाँ, क्या वो मेरे लड़की? वो मेरी बहन है और ये। अच्छा, मेरे भाई है। अच्छा, आपके भाई कहाँ दूर हो रहे हैं? नहीं, वो ऐसे नहीं, वो फोटो क्लिक कर रहे हैं ना। अच्छा, ये बात। थोड़ा उन लोगों से भी जानकारी लेंगे। देखिए कहीं ना कहीं हमारे यूपी में जो है जिस तरह से एक युवाओं के अंदर एक सोच होता है, जज्बा, हम उसको जाहिर करना चाहेंगे। क्या नाम पड़ेगा? प्रभात कुमार। किस क्लास में है? मैं जॉब कर रहा हूँ। जॉब कर रहे हैं आप? प्राइवेट या सरकारी? प्राइवेट। प्राइवेट, तो आपके सिस्टर हैं वो? हाँ, सिस्टर हैं। क्या लगा कि यहाँ एक सेल्फी पॉइंट पे एक घूमने के लिए आए? नहीं, हम तो वैसे घूमने निकले थे, हम हरिद्वार से आए ना, तो यहाँ घूमने आए थे, ये कहने लगे चलो घूमने, तो घूमने आए। आने पे एक सुकून मिलता होगा? हाँ, सुकून तो है, अपने गांव में आओ तो सुकून तो ही है। अपने गांव में आने पे सुकून मिलता है। तो कहीं ना कहीं इस तरह से देखा जाए जो दृश्य जो बना है, एक घूमने के लिए जगह बढ़िया। हाँ, घूमने के लिए अच्छी जगह है। और बाकी जो है योगी सरकार की जो ये पहल है जिसके माध्यम से सब लोग देख रहे हैं, सेल्फी ले रहे हैं, ये पहल सही है? नहीं, सही भी है और कुछ तक गलत भी है। क्या गलत है?
इससे सेल्फी से यह है कि बहुत से लोग एक्सीडेंट में भी हो जाते रह रहे हैं। और यहाँ पर तो नहीं है, पर जैसे बहुत से लोग वहाँ सड़कों पे या कहीं पे भी खड़े होकर सेल्फी लेते हैं तो सेफ्टी से ले हैं। ये चीज सही है, ये जो बनाया गया है ये एक घेरे में है जो सेफ है, लेकिन जगह पे ऐसे सेल्फी पॉइंट बनाया गया जो बिल्कुल तिराहे चौराहे पे है, जो वहाँ कोई उस तरह से सेफ नहीं है। हाँ, उस तरह के सही नहीं है, क्योंकि गाड़ी घोड़ी है, क्या पता किस गाड़ी का कैसे बैलेंस खराब होए इधर आ जाए, उसके लिए ये कहीं साइड में होता तो और अच्छा रहता है। मतलब इस तरह से सुरक्षित और कहीं साइड में होना चाहिए, जिसके जो है जरिए कोई दुर्घटना का इस तरह से शायद ना बने शंका, ताकि जो है एक सुरक्षा पूर्व जो है कोई सेल्फी ले सके। हाँ, ये चलिए, ये खास तरह से मऊ में जो है एक खास नज़ारा है जिस जगह से हम भी गुजर रहे थे, और इस तरह के जो है एक लोगों की जहाँ जो उपस्थिति देखा, कार कहीं ना कहीं इस तरह से जो है एक जगह था जो काफ़ी एक फैमिली से जो है कुछ लोग बिलोंग करते हैं वो भी आते हैं। चलिए आगे तक दिखाएंगे ये खास जो दृश्य है, यहाँ दिन प्रतिदिन जो है एक लोगों की उपस्थिति बना रहता है, और शायद जो है ये उपस्थिति में हमारे साथ है धीरे जी। और ये है मऊ का जो है आई लव यू हमारा मऊ, खास ऐसे मऊ तक का भी, न्यूज़ इंडिया में आपके साथ विनोद कुमार, नमस्कार।